एक बार फिर लेकर आए हैं श्री कैसिक इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी एक बड़ा ही हसीन वाकया, माँ बाप पर जुल्म। इसे लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब खुर्शीद रसूलवी साहब ने और आवाज़ें दिए हैं दिलबर मिराज दूगो दराब नगर बदायूनी, और इसका म्यूजिक दिया है राजू खान साहब ने और रिकॉर्डिंग की है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली चंद्र गांधी जी ने। लीजिए सामईन बड़ा ही हसीन वाकया, माँ बाप पर जुल्म, मुलहिज़ा करें। जहन्नम में मका खुर्शीद वो अपना बनाते हैं, जहन्नम में मका खुर्शीद वो अपना बनाते हैं, जहन्नम में मका खुर्शीद वो अपना बनाते हैं, जहाँ में जो बशर माँ बाप को अपने सताते हैं, जहाँ में जो बशर जो बशर माँ बाप को अपने सताते हैं, जहाँ में जो बशर माँ बाप को अपने सताते हैं, जहाँ में जो बशर माँ बाप को अपने सताते जाना है, अगर माने नहीं तो बस जहन्नम ही ठिकाना है। डरो अल्लाह के कहरो गजब से बाज आ जाओ, जरा सी बात पर माँ बाप को आंखें न दिखलाओ, तुम्हें अल्लाह रोजे हश्र में भारी सजा देगा। अगर माँ बाप ना खुश है जहन्नम में जला देगा, दुआ माँ बाप की लो शान आलम में पढ़ाना है, यहाँ भी मुस्कुराना है वहाँ भी मुस्कुराना है, करते हुए डरते नहीं भाई, खुदा नाराज होता होती दुनिया भर में रुसवाई। कुछ ऐसे लोग हैं जो मारते माँ बाप को अपने, तरक्की के वो इंसान देखते दिन रात हैं सपने, नहीं खुश बाप माँ बेटे तरक्की पा नहीं सकते, तुम्हारे बाप मंजिल तक तुम्हें ले जा नहीं सकते, सुधर जाओ तुम्हें अल्लाह रहमत से नवाजेगा, सुधर जाओ तुम्हें अल्लाह रहमत से नवाजेगा, सुधर जाओ रब्बुल आलमी है तुमको नेमत से नवाजेगा, रब्बुल आलमी है तुमको नेमत से नवाजेगा, रब्बुल आलमी है तुमको नेमत से नवाजेगा।
दिखा देगा। खुदारा पास आओ आप भी औलाद वाले हो, हुए काफिल हो नफरत का हिजाब आंखों पे डाले हो, तुम्हें भी एक दिन अपने मकानों से निकलना है। सितम करते हो तुम माँ बाप पर, तुमको भी पिटना है। तुम्हारा हश्र भी होगा बुरा, गाफिल हो खिदमत से रहोगे अपनी नाकामी से तुम महरूम जन्नत से। जहां में जो बशर माँ बाप की तासीम करते हैं, जमाने वाले उनकी इज्जतों तकरीम करते हैं। दुआ माँ बाप की लेते वो हरदम मुस्कुराते हैं, सितारे उनकी किस्मत के हमेशा जगमगाते हैं। कभी होते नहीं महरूम वो अल्लाह की रहमत से, कभी होते नहीं महरूम वो अल्लाह की रहमत से, कभी होते नहीं महरूम वो अल्लाह की रहमत से। जो देखे हर घड़ी माँ बाप को अपनी मोहब्बत से, जो देखे हर घड़ी माँ मोहब्बत से, जो देखे हर घड़ी माँ बाप को अपनी मोहब्बत से। का वाकया बड़ा ही हसीन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस माँ के चार बेटे हैं और ये जवानी में बेवा हो जाती है, उसके बाद ये अपने बेटों को बड़े प्यार से पालती है और बड़ी मेहनत करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। लेकिन जब ये बेटे जवान हो जाते हैं और इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती है तो माँ इनकी शादी करती है और ये चारों बेटे अपने माँ के साथ शादी के बाद क्या करते हैं, ये बड़ा ही हसीन वाकया आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुलाहिज़ा करें। सुनो अब मोहतरम एक वाकया तुमको सुनाते हैं, अजब है दास्तां माँ की कलेजे थर थराते हैं। थे उसके चार बेटे मर गया शौहर जवानी में, गमों का आ गया तूफान उसकी जिंदगानी में। सहारा उसका कोई था नहीं, सब छोटे बच्चे थे, ये बचपन में हुए महरूम थे वालिद के साये से। बिचारी माँ जवानी में परेशानी उठाती थी, नजर बच्चों पे रखती दुख वो अपना भूल जाती थी। उसे शौहर की याद आती तो तन्हाई में रोती थी, परेशान हाल थी यारो गमों के अश्क पीती थी। अमीरों के घरों में जाके वो करती थी मजदूरी, करे क्या वक्त की मारी के अब आगे थी मजबूरी। पकाती खाना घर में पहले बच्चों को खिलाती थी, जो बच जाता था खाना बाद में बेचारी खाती थी। ये
पाऊंगी ये उसको आस दी रोज मैं भी चैन पाऊंगी ये उसको आस दी रोज मैं भी चैन पाऊंगी मैं अपने चारों बेटों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी मैं अपने करती थी बेटे बड़े होकर सुकून देंगे खबर क्या थी वो ख्वाबों का महल मिसमार कर देंगे कमा कर शाम को लाती थी वो तकदीर की मारी लुटा देती थी सब औलाद पर मजबूर बेचारी कठिन राहों पे उसकी जिंदगी यारों गुजरती थी किसी दिन भूखी रह जाती थी सबका पेट भरती थी निभाने वाला उसका साथ ना कोई कहीं पर था भरोसा सिर्फ उसको अपने रब्बुल आलमी पर था मशक्कत करते करते हो गई कमजोर ये बेवा सिवा अल्लाह के दुनिया में ना कोई सहारा था सुबह को जल्द उठती बच्चों को तैयार करती थी इन्हें खाना खिलाती और उनको प्यार करती थी अम्मा जी में किस्मत से मिले उनको बुलाती है जो अम्मा जी में किस्मत से मिले उनको बुलाती है जो अम्मा जी में किस्मत से मिले उनको बुलाती है बेचारी भूखी रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती है बेचारी भूखी रहकर अपने बच्चों सब बेटे मेरे हो गए हैं शुक्र अल्लाह का मेरी आंखों ने परसों पहले ऐसा ख्वाब देखा था खुदा का शुक्र है पूरी हुई हसरत मेरे दिल की जरूर
मुसीबत की सताई थी। किया था सब्र होठों पर कभी शिकवा न लाई थी। मेरे चारों पिसर अब पड़ गए खुशहाली आएगी। करेंगे नौकरी किस्मत हमारी जगमगाएगी। लगाए आस थी जिसकी वो अब उम्मीद भर आई। लगाए आस थी जिसकी वो अब उम्मीद भर आई। लगाए आस थी जिसकी वो अब उम्मीद भर आई। ज़ईफ़ा खुश हुई बेटों ने उसके नौकरी पाई। ज़ईफ़ा खुश हुई के वास्ते कोई ना आया जब परेशान थी। हुई खुशहाल दिल में सोचती थी और हैरान थी। किया एक साथ दो बेटों का उसने शौक से रिश्ता। दुल्हन को घर में लाई थी ब्याह कर शाद थी बुढ़िया। क्या देखिए कुछ दिन कटे थे शादुमानी से। टली मुश्किल है मेरी अब खुदा की मेहरबानी से। कुआरे रह गए हैं दो पिसर जल्दी बिहा दूंगी। इन्हें भी खूबसूरत चांद सी दुल्हन में ला दूंगी। चरसा बात उन बेटों की कर दी धूम से शादी। ये दिल में सोचती थी मिल गई है मुझको आजादी। अलग सब हो गए तो साल गुजरे थे मसरत से। हुआ क्या देखते चारों पिसर उस्मां को नफरत से। सताते माँ को अपनी कितने ये शैतान लड़के थे। सताते माँ को अपनी कितने ये शैतान लड़के थे। सताते माँ को अपनी कितने ये शैतान लड़के थे। पढ़े लिखे थे फिर भी माँ के ना पर मान लड़के थे। पढ़े लिखे थे फिर भी हजरात। ये बूढ़ी माँ इन बेटों की शादी कर देती है और ये बेटों को बड़ी ही मुसीबत और मेहनत कर कर पाला है इसने। लेकिन ये बेटे अब माँ की मोहब्बत का क्या सिला देते हैं और ये माँ के साथ क्या क्या बदतमीजियाँ करते हैं। ये बंद मुलहिजक ने कहना है क्या बेचारी बूढ़ी माँ को वक्त पर खाना नहीं देते। अगर बाहर वो जाती घर से पैसा नहीं देते। वो लड़के
जंजाल में यारो सजाए ख्वाब थे माने बिखर कर रह गए सारे पिलाया खून जिनको साबुन किले आंखों के तारे सुबह से कुछ भी कहती मारते थे जुल्म करते थे खुदाए पाक के कहरो गजब से ये न डरते थे जो बीवी बोल देती थी उसी को मान लेते थे ये गलती मान की होगी न उस पर ध्यान देते थे तसद्दु सह न पाई माँ बिचारी हो गई पागल गम सबसे बड़ा था कट रहा मुश्किल में हर एक पल वो पागल हो गई औलाद ने पागल बनाया है इन्हीं के वास्ते इस मां ने कितना दुख उठाया जाती थी घर से तो पकड़ कर मारते लड़के चली जाती थी घर से तो पकड़ कर मारते लड़के चली जाती थी घर से तो पकड़ कर मारते लड़के निकलते आँख से आंसू हमारे ये बयां पढ़कर खुदा औलाद दे तो नेक दे ऐसी नहीं देना जिगर छलनी करे बेटा हो या बेटी नहीं देना जो बंदे नेक हैं उन पर तेरा एहसान है मौला करे जो माँ की खिदमत उसकी आली शान है मौला सताने वाला माँ को और से सुन ले नसीहत है कोई दौलत नहीं माँ से बड़ी अनमोल दौलत है खुदारा बाज आओ हरकतों से ना सताओ तुम सरे महशर खुदा फरमाएगा दोज़ख में जाओ तुम हदीसे मुस्तफा का दोस्त तो कुछ तो असर कर लो सताना छोड़ दो माँ बाप को जन्नत में घर कर लो हमारा खून का माँ बाप से रिश्ता पुराना है हमारा खून का माँ बाप से रिश्ता पुराना है हमारा खून का माँ बाप से रिश्ता पुराना है अगर नाराज है माँ बाप तो दोज़ख में जाना है अगर नाराज है माँ बाप
मामई, इन चारों बेटों ने अपनी माँ को इतना सताया कि माँ पागल हो जाती है और इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो बतुआ नहीं देती है। और अल्लाह की तरफ से इन लड़कों पर क्या अजाब आता है और इनका क्या हाल होता है और इन्हें माँ को सताने की क्या सजा मिलती है, मुलाहिजा करें। सुनो दिल थाम कर, लड़कों का अब अंजाम क्या होगा। बड़े मगरूर थे इन पर खुदा का कहर टूटेगा। बिचारी माँ सितम सह कर जहां से हो गई रुखसत। ये लड़के रह गए इन पर अब आने वाली है आफत। इन्हें चारों तरफ से घेर लेगा कर दिशे दौरा। बनाए थे महल आगे सुनो हो जाएंगे वीरान। सताया माँ को बेरहमी से इनको रहम नाया। बेचारी मर गई लड़कों ने माँ को खूब तड़पाया। खुदा इंसाफ इनका जल्दी ही अब करने वाला है। मुसीबत आने वाली वक्त इनका गिरने वाला है। बहुत मारा था माँ को बद्दुआ फिर भी नहीं। औलाद के सहती थी फिर भी सब्र करती थी। मिली थी नौकरी वो छिन गई बर्बाद होते हैं। थे ना फरमान लड़के अश्कों से दामन भिगोते हैं। मका बेचारा कम सब बीबियों के हाथ में दे दी। हाथ में दे दी रकम जितनी थी बीवी ले गई ये रह गए खाली। रकम जितनी थी बीवी ले गई ये रह गए खाली। रकम जितनी थी बीवी ले गई ये रह गए खाली। चारों ने मिलके मशवरा होती है रुसवाई। रकम लेकर हमारी बीबियां मिलके में रहती हैं। भिकारी बन गए हम बीबी चारों ऐश करती हैं। गए बीबी से मिलने दूर से ललकारती बीबी। कदम ससुराल में रखा तो बढ़कर मारती बीवी। किया था बीवियों ने मशवरा ना हौसला हारो। रहा क्या पास है इनके मिले फौरन इन्हें मारो। जो अपनी माँ के ना हो पाए वो अपने नहीं हो। कंगाल हैं हमको भी ये कंगाल कर देंगे। अता हक हो गया है मेहर का दे दो तलाक हमको। नहीं तुमसे जुदा होने का है दिल में फिराक हमको। हुए
सजा पाई। हुए बर्बाद ये खुर्शीद चारों ने सजा पाई। हुए बर्बाद ये खुर्शीद चारों ने सजा पाई। दहाड़े मार कर रोने लगे अब माँ की याद।